दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी पूरी। तो मैंने शक्कर को अच्छे से पानी में एक गिलास पानी लिया है और दो कटोरी शक्कर मैंने अच्छे से भिगा दिया है इसको। और उसको थोड़ी देर के बाद में इसमें डाल रही हूँ खाने वाला सोडा। इससे पूरी बहुत ही अच्छी बनती है और छोटी छोटी सी गोलियाँ और इससे पूड़ी बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनेगी और अच्छी भी, कुरकुरी सी। तो मैं इसको भी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना रही हूँ। और मैं भी इसको बेल लूँगी, ऐसे सारी कट करके अच्छे से सब बेल लूँगी साथ में। उसके बाद में तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए साइड में रख दिया है। तेल साइड में गर्म हो रहा है, जब तक मैं सारी पूरियां बेल लूँगी एक एक करके। और मैं भी पूरी बेल रही हूँ छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। ऐसे सब बेल लूँगी हल्के हाथ से। हल्के हाथ से बेलने पे पूरियां फूलती भी अच्छे से हैं। तो मैं इसे सब बेल लूँगी और तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा डाल दी थी, गर्म हुआ है कि नहीं, लेकिन तेल बहुत ही गर्म हो गया है। तो गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। उसके बाद में भी इसमें पूड़ियाँ डालना चालू कर दूँगी और अभी पूड़ियाँ डाल रही हूँ। देखना भी कितनी अच्छी सी मस्त कुरकुरी करारी सी और फूली फूली सी पूड़ियाँ बनेंगी। और अभी मैं इसे पलट पलट के पका लूँगी। देखो बहुत ही अच्छी बन रही है, लाल लाल, और देखने में भी कितनी सी सुंदर सी लग रही है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ऐसे मैं सब तल लूँगी। ये पूरी ख़राब भी नहीं होती है, दो तीन दिन आराम से बना के रख दो और या फिर सफ़र में लेके जाओ, बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं ऐसे सारी पूड़ी तल लूँगी और मैं भी निकाल ले रही हूँ। तेल को ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा डालना रहेगा, जिससे ऊपर से भी पूड़ी अच्छे से पक जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे ही पका लूँगी और बहुत ही अच्छी बन रही है।
ऐसे मैं साड़ी बना लूँगी।